अब नीट पेपर लीक के मामले में बात करते हैं, जहां बिहार से लेकर गुजरात तक सीबीआई का बड़ा एक्शन हुआ है। सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी पेपर लीक के मामले में अपनी पहली गिरफ्तारी की है, जिसमें पटना से मनीष कुमार और आशुतोष नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों पर आरोप है कि 5 मई को हुए नीट के एग्जाम में एक रात पहले 4 मई को इन लोगों ने छात्रों को ठहराने का इंतजाम पटना में किया था और फिर उनको लाकर दिया था पेपर, जिसे उन्हें रटवाए गए थे। पटना में 2 अरेस्ट हुए हैं तो सीबीआई ने हजारीबाग से ई रिक्शा चालक को भी हिरासत में लिया है। यहां ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से पहले ही पूछताछ जारी है। तो महाराष्ट्र के लातूर में सरकार ने गिरफ्तार आरोपी टीचर को स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। इन पर आरोप है कि ये 5 लाख रुपए लेकर नीट पास कराने का ठेका लेते थे। महाराष्ट्र सरकार ने अब लातूर केस को भी सीबीआई को सौंप दिया है। तो नीट पेपर लीक के मामले में गुजरात से के पंचमहल में सीबीआई की जांच जारी है। यहां सीबीआई ने 5 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जय जालाराम स्कूल के प्रशासक से भी पूछताछ की है। नीट यूजीसी पेपर लीक मामले में बिहार से लेकर गुजरात तक सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पेपर लीक के एपिसेंटर पटना से सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी भी कर ली है। पटना से जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनमें नीट एग्जाम से एक रात पहले छात्रों के लिए सेफ हाउस अरेंज करने वाला आशुतोष है, दूसरा मनीष प्रकाश जो छात्रों को उस सेफ हाउस यानी लर्न प्ले स्कूल लेकर पहुंचा। लेकिन गिरफ्तारी से पहले लर्न प्ले स्कूल के केयरटेकर आशुतोष ने इंडिया टीवी के कैमरे पर जो कबूल किया है, उससे साफ है कि दोनों आरोपी नीट स्कैम की अहम कड़ी है। लड़के 4 कह के आए, बाद में उनकी संख्या 20-25 हो गई, तब भी आपको संदेह नहीं हुआ, तो ऐसे में आप पर संदेह तो बनता ही है ना? सुबह में तो संदेह हो गया था, हम बोले भी उसको कि तुम निकलो, लेकिन क्या संदेह हुआ, क्या किस बात को देखकर संदेह? उसी तरह के जो बच्चे लोग बात कर रहा था उसी तरह से। क्या बात कर रहे थे? हमसे ही एक बच्चा बोले कि हमको पेपर का मिला, हमके पेपर किस चीज का पेपर, ताकि हमको तो यहाँ सिर्फ आपको रखने के लिए रात को रुकने के लिए दिया गया था, ये सब तो हमको जानकारी नहीं है, हमको कुछ पता नहीं इसके मामले में। फिर मनीष से पूछा तब कि आधा घंटा में चल जाएगा। नहीं, 10 बजे संदेह हुआ तब ना बोल रहे थे कि तब तुम लोग निकलो, तुम हमको फंसा देगा, ताकि आधा घंटा में चल जाएगा। फंसने का डर किस बात का? वही जो जिस चीज के लिए आप आए हैं उसी के लिए, उसी डर से तो हम फंस डर। यानी क्वेश्चन देखा आपने ना? देखे 10 बजे के बाद, हम देखे साढ़े, परीक्षा 2 बजे से थी, 10 बजे के बाद आपने देख लिया, प्रश्न पत्र था उनके पास? हाँ देखे, समय देखे। पटना में सीबीआई अब इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उस लिंक को खंगालने की कोशिश में है, जिसके जरिए हजारीबाग पेपर लीक का किंग पिन पकड़ा जा सके। क्योंकि पटना में 2 गिरफ्तारी हुई है तो हजारीबाग में सीबीआई ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हजारीबाग में एक ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया है, तो हजारीबाग के गेस्ट हाउस में ही ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ जारी है। पिछले 4 दिनों से सीबीआई की टीम हजारीबाग में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर रही है। बुधवार को ओएसएस स्कूल में जांच के बाद सीबीआई ने प्रिंसिपल एहसान उल हक को हिरासत में ले लिया था। अब ई रिक्शा चालक को भी हिरासत में लिया गया है, जिसकी वजह है रांची एसबीआई से कुरियर से हजारीबाग पेपर भेजा गया, जिसे कुरियर एजेंसी को हजारीबाग एसबीआई तक पहुंचाना था, लेकिन कुरियर एजेंसी ने रास्ते में पेपर उतारा, जिसके कारण ई रिक्शा से एसबीआई तक पेपर भेजा गया। 1.5 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की गई। ऐसे में रास्ते में पेपर लीक होने का शक और गहरा गया है। इधर नीट स्कैम में सबसे बड़ा एक्शन महाराष्ट्र के लातूर में हुआ, जहां महाराष्ट्र सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया। इसके साथ ही 23 जून को गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक टीचर जलील उमर खान पठान को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जलील उमर खान पठान लातूर जिले के कातपुर गांव में जिला परिषद स्कूल में हेडमास्टर है। लातूर जिला परिषद के सीईओ अनमोल सागर ने पठान के निलंबन की कार्रवाई की है। मैं जनवरी 24 को इधर आया, एक 5 महीने हो गए छुट्टी के, 1.5-2 महीने गए, ऐसी कुछ पुरानी पहचान नहीं ज़्यादा हमारी। आने के बाद ही उनकी मुलाकात हुई, आने के बाद थोड़ा सा स्कूल में बोलना बैठना था, वो भी कभी मिड डे मील जब रहता है, खाना खाने के समय ही थोड़े से गपशप रहते थे और चर्चा भी कुछ हुई, तो स्कूल में क्या कम है, खड़ू है क्या, डस्टर, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के है, ऐसे ही चर्चा होती, बाकी कुछ नहीं।
देखिए क्या होता है कि जब अमूमन इस तरह की बातें होती है तो कई बार हम कहते हैं कि यार हम इस तरह के भी काम करते हैं, कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप बताइए, कभी ऐसा कोई लिंक, कभी ऐसी कोई बात उनकी तरफ से रखी गई हो आपके सामने? नहीं, कभी नहीं आई इससे बात जी। नहीं, कुछ बातें वो नहीं करते और बहुत मितभाषी थे, हर्षदमुख थे, मितभाषी थे, कुछ बाहर का और अदर कौन से घटने पर चर्चा नहीं होती थी।